दोस्तों, स्वागत करता है आपका भाई एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपकी बार बार कमेंटें आ रही हैं कि दोस्तों फंदी की जो एक तड़ी को कैसे आपस में दोनों पूरी फंदी को बनाने के लिए जो ये तड़ियाँ होती है उनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, मैं आज यही बताने वाला हूँ उनको कैसे जोड़ा जाता है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखे। तो दोस्तों, आज आपके एक कमेंट का जवाब लेके आया हूँ, नहीं तो दोस्तों आज मैं तीतर लाइव पकड़ने की वीडियो आपको बताता, लेकिन आपने कमेंटों में लिख रखा है ताड़ियों को कैसे जोड़े। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसे फैलाते हैं, फिर देखेंगे कि दोस्तों ताड़ियाँ कैसे जुड़ती है और कैसे जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस समय दोस्तों फंदी को टूटने का काफ़ी खतरा रहता है, तो दोस्तों बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों, हम इसको यहाँ टिका देते हैं। तो दोस्तों, आप इस ताड़ी को देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये ताड़ी आपको दिख पा रही होगी दोस्तों, यहाँ पर देख लो, आपको दो जो डंडे हैं दोस्तों ऐसे दिख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े, यहाँ पर एक सीधा एक डंडा लगा हुआ है दोस्तों। उस डंडे को दोस्तों आप यहाँ पर देख लो, यहाँ से थोड़ा दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक पतला किया हुआ है और फिर बीच में मोटा है दोस्तों, ताकि यो फंदी आसानी से निकल सके और आसानी से अंदर जा सके। दोस्तों देख लो, दोनों एक ताड़ी ऊपर वाला दूसरी ताड़ी का, दोनों ताड़ियों के जो यहाँ पर ये ऊपर वाली लकड़ी होती है पतली वाली दोस्तों, वो बिल्कुल देख लो दोस्तों जुड़ी हुई है। और दोस्तों नीचे वाली भी बिल्कुल इसी प्रकार जुड़ी हुई, इसी प्रकार दोस्तों हर एक ताड़ी में वही काम है दोस्तों। यहाँ पर एक मोटा डंडा लिया गया है और दोस्तों उनको दोनों सिरों से पतला कर दिया गया है और फिर उसमें ये फोड़ा दिया गया है। और दोस्तों ये फिर धागों की वजह से ये टाइट हो जाता है, जिस कारण निकल नहीं पाता, धागों की वजह से दोनों तरफ जुड़ा हुआ है जिस कारण ये निकल नहीं पाता और बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप माम बन, और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ये बीच वाले धागे दोस्तों, इनकी भी काफ़ी कमेंटें आती हैं। तो दोस्तों, इस बीच वाले धागों में कुछ नहीं करना, बस आपको जो ये धागे, ये धागा पोरा रखा है दोस्तों, उनके बीच में इस धागे को बांध देना है। और दोस्तों आप ये गोला तो बनाना जानते होंगे, और बाद में दोस्तों इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा देना है, ताकि आपकी तीतर जो है निकल के जाना पाए। और यहाँ पर दोस्तों ये लग गई दोस्तों, और आपको ताड़ी को कैसे जोड़ा जाता है ये बता ही दिया। और दोस्तों, यदि आप इन ऊपर वाले धागों की बात करते हो तो इनमें भी कुछ नहीं दोस्तों, जो एक लंबा धागा ले लेना है हमको, और दोस्तों इस लंबे धागों को इस पर लपेट कर दोनों सिरों पर यहाँ पर ले आना है। उसके बाद दोस्तों आप देख लो, इस सिरे को दोस्तों यहाँ से ले जाओगे, उससे पहले यहाँ का धागा बांध लेना है, इसको भी यहाँ करके दोस्तों इसके सिरे को भी ऐसे यहाँ पर ले आना है दोस्तों, ताकि ये टाइट हो जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों जो आपकी फंदी बन जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।